वैसे तो हैदराबाद शहर में लेकों की कमी नहीं है, और अगर हैदराबाद को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनमें से हुसैन सागर, उस्मान सागर, दुर्गम चेरबू, नागार्जुन सागर एंड सो ऑन। तो आज मैं आपको ऐसे ही किसी लेक की सैर कराने वाली हूँ। सो हाय गाइस, इज अर्पिता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ कोमती चेरबू। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कोमती चेरबू एडवेंचर पार्क, लेक, सनसेट, केबल ब्रिज और हैंगिंग ब्रिज, ग्लो गार्डन, रूबी नेकलेस रोड, म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर शो और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहती हूं। अब बात करते हैं कोमती चेरबू के लोकेशन के बारे में। कोमती चेरबू तेलंगाना स्टेट के सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि हैदराबाद से 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। पिछले कुछ सालों में कोमती चेरबू को टूरिज्म के लिए डेवलप किया गया है। यहाँ पे आपको बोटिंग की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, इसमें स्पीड बोट और पैडल बोट के ऑप्शंस हैं। इस सस्पेंशन ब्रिज को दिसंबर 1, 2019 को ओपन किया गया। दिस इज द सेकेंड सस्पेंशन ब्रिज इन द स्टेट आफ्टर द लंकावरम लेक सस्पेंशन ब्रिज। 91 meters more in length when compared to Lankavaram Bridge. The bridge is 241 meters in length and a 4 feet wide walking track. 200 people can walk on this bridge at a time and can enjoy the beauty. This place provides recreation for all age groups and is being compared with the Tank Bund of Hyderabad. यहाँ पे food courts भी available है। Evening में आपको कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आपको सनसेट एंड लेक का कॉम्बिनेशन पसंद हो तो मेरी गांधीपेट लेक एंड इंदिरा पार्क वाली वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, जिसे मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर किया था। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसी चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।